ब्रेड की रेसिपी बनाएंगे, जिसमें हम बेसन ले रहे हैं। हम एक ही नाप से लेना है, एक है ना, इससे हम दो कटोरी बेसन ले लेंगे। दो कटोरी डाल लेते हैं हम किसी भी चीज़ से नापे, जिससे भी लेंगे बराबर लेंगे। और एक कप जिससे हम जिस चीज़ से हमने बेसन लिया था उसी से नाप से हम दो कटोरी बेसन लिए हैं, तो एक कटोरी सूजी। और इसमें अब हम पानी डाल के अच्छे से फेंट लेंगे। और हम जैसे आलू की भजिया या डिप करके बनाते हैं ना, ऐसा डिप जैसा हमको बनाने का है। अच्छे से इसको हम फेंट लेते हैं। इसको अच्छे से फेंट कर इसमें सूजी डाले हैं, इसलिए हम कम से कम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए 10 मिनट हो गए हैं। ऐसा हमको इससे ज़्यादा पतला नहीं रखना है, ताकि डिप करें। हमने बटाटा वड़ा बनाते हैं, ये सब बनाते हैं ना, ऐसा ही डिप रखना है। अब इसमें हम थोड़ा अदरक लहसुन मिर्चा कुटा हुआ डालेंगे, और थोड़ी सी अजवाइन, बेसन है तो अजवाइन जाएगा ही, तो मैं यहाँ पे अजवाइन की पत्ती का यूज़ कर रही हूँ। और ये प्याज एकदम छोटी छोटी कटी हुई, ये सब हम इसमें मिक्स कर देंगे और अच्छे से चला लेंगे। अब ये सब के बाद हम थोड़ा सा इसमें मसाले डाल लेंगे, जैसे थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी, और हमने हरी मिर्च डाली है इसलिए ध्यान देकर लाल मिर्च डालेंगे अपने स्वाद अनुसार, और आधी चम्मच से भी कम हम इसमें धनिया पाउडर डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसमें थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और थोड़ा सा अलग स्वाद देने के लिए हम इसमें सांभर मसाला डालेंगे, वो भी थोड़ा सा आधे स्पून जितना, बहुत अच्छा लगता है। आप भी डाल के बना के देखिएगा, थोड़ा साउथ इंडियन टेस्ट आएगा। और अब हम ब्रेड ले लेते हैं। ब्रेड इसके हम साइड की ज़रूरत नहीं है निकालने के, साइड का ऐसे इसको ऐसे चार में हम इसको कटिंग कर लेंगे ऐसे, और इसे अच्छे से कर ले। हमने इस तरह सारे ब्रेड के टुकड़े कर लिए हैं। और अब हम गैस की तरफ चलते हैं। ये मैंने पहले से गैस पे कढ़ाई रख दी है और तेल डाल दिया। हम डीप फ्राई नहीं करेंगे, सेल्फ फ्राई करेंगे इसको। और हम तेल गरम कर लेते हैं, फिर आगे का प्रोसेस करते हैं। और अब हम ब्रेड को इसमें डाल के अच्छे से इसके ऊपर कोटिंग कर लेते हैं। एक्स्ट्रा जो है वो सब निकल जाएगा। और ये गैस में हम ये तेल में इसको डाल देते हैं, ऐसे ही हम सब डाल लेते हैं। और ये देखिए हमने सारा डाल लिया है। अब इसको हम एक तरह अच्छे से होने देंगे, फिर हम इसको पलट लेंगे। एक इसमें सांभर का मसाला और एक छोटी छोटी जो प्याज मैंने डाली है वो बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखिए, तो थोड़ी देर हम पकने देंगे फिर डाला पलटेंगे, है एकदम से पलटेंगे तो बेसन बाहर आ सकता है। ये हम थोड़ा सा टाइम देके और ऐसा लगे कि बेसन लग रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा हम ऐसे से तेल इसके ऊपर कर सकते हैं। और ये देखिए अब हमारा बनके तैयार हो गया है। अब हम इसे गैस बंद कर लेते हैं और इसको सर्व करेंगे। ये देखिए हमारी चाय बन रही है, हम चाय के साथ सर्व करेंगे। ये देखिए हमारा नाश्ता सुबह का, लंच में भी ले सकते हैं, ऐसे तो हैवी होता है, पर अगर आप इसको चाय के साथ खाते तो बहुत अच्छा लगता है। वरना हरी चटनी या सॉस किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं, हम तो इसको इसका मज़ा चाय के साथ ही लेंगे। हमारे यहाँ ज़बरदस्त बारिश हो रही है, खाने का मज़ा ही और अलग आता है। आप भी बनाइएगा और बताइएगा कैसा लगा। कमेंट्स करिए, शेयर करिए, लाइक्स करिए और बेल आइकन हिट करिए।